ठीक है, क्लास वन हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लास वन में हम रोड मैप पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर आज हमको ये पता चल गया कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है और कहां जाना है, तो आपको अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस आसानी से कर पाओगे और आपको कोई गलती नहीं कर बैठोगे। अगर आपको पूरा जनरल इक्वेशन समझ गया, तो आज एक रोड मैप होगा कि पहले दिन से आखिर दिन तक अमेज़ॉन के अंदर जो हमारा खेल कूद बिजनेस सेटअप पूरा चलता है, वो असल में होता कैसा है, स्टेप बाय स्टेप। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी सादा सादा जुबान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं, और अगर आप आज समझ गए तो आपको पता चल जाएगा, अपने आप का एनालिसिस भी आपको हो जाएगा कि मैं किस पोजीशन पे हूं, अभी मैं किधर हूं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो पहले हम बिजनेस मॉडल को पढ़ते हैं कि अमेज़ॉन के अंदर बिजनेस मॉडल क्या है। ये बेसिक है कि आप थोड़ा ये समझें कि अमेज़ॉन के ऊपर कितने बिजनेस मॉडल काम करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल। ठीक है, अमेज़ॉन के अंदर तीन किस्म के मॉडल हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। नंबर वन है ड्रॉप शिपिंग, जो कि नापसंदीदा है मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोगों के लिए चूंकि आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि इसको समझे। ठीक है, नंबर टू प्राइवेट लेबल। ठीक है, नंबर थ्री होलसेल। ये तीन किस्म के बिजनेस मॉडल हैं मेन। इसके अंदर लोगों ने निकाला है अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन, अमेज़ॉन आर्बिट्राज, मतलब मुख्तलिफ किस्म के। ठीक है, लेकिन ये तीन बिजनेस मॉडल है और अभी ये तकरीबन डेड हो गया है ये मॉडल। ठीक है, लेकिन जस्ट आप लोगों को समझाना मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को मैं समझाऊँ, इसलिए बता रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग वो बिजनेस मॉडल है अमेज़ॉन के अंदर, और या ड्रॉप शिपिंग किसको कहते हैं ये समझना है, अगर ओवरऑल हम ड्रॉप शिपिंग को समझेंगे। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपके साथ प्रोडक्ट नहीं होता है। अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब पे, टिकटॉक पे सरील देखा होगा कि लोग आपको बोलते हैं स्टाइल के साथ आके बोलते हैं, विद जीरो इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट बिजनेस एंड मेक मिलियन दरम पर मंथ, इस तरह के पता नहीं अजीब अजीब किस्म के एड वो बनाते हैं, स्टाइल माइल अच्छी सी गाड़ी माड़ी में बैठ के आपको बताते रहते हैं। ठीक है, और बाद में ये ड्रॉप शिपिंग का वो कुछ कहानी महानी सुना के आपको बता देते हैं। तो इसमें केस ये होता है कि आपके साथ फिजिकली प्रोडक्ट नहीं होता है, आप एक सप्लायर के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, उनके साथ हेलो हाई शुरू करते हो और उनको बोलते हो कि आपके जो प्रोडक्ट हैं ए बी सी एक्स वाई जेड या जितने भी हैं 50 प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट मैं अपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर लिस्ट करूँगा, और जब भी मुझे ऑर्डर आए सो यू विल बी द वन टू डिलीवर इट फॉर मी, वो आपके लिए डिलीवर करेगा। ये ड्रॉप शिपिंग है, वो आप अमेज़ॉन पे करें या अपने वेबसाइट पे करें, शॉपिफाई पे करें, जिधर भी करें, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपके साथ फिजिकली प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है, अभी प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम है, अमेज़ॉन को अपने इशू हैं कि मेरा ब्रांड ख़राब हो रहा है, गलत प्रोडक्ट कस्टमर को जाता है, कंप्लेंट बहुत आते हैं, टाइम पर डिलीवरी नहीं होती, तो ये अच्छा तसव्वुर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ करूँगा रेड तो मीन खलास हो गया, ये हमारा काम का नहीं है। प्राइवेट लेबल वो बिजनेस मॉडल है अमेज़ॉन के ऊपर जिसमें आप अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, जो आपकी ब्रांड से एसोसिएट करता है। ठीक है, आपका ओनरशिप होता है, आपका ब्रांड आपका नाम उस पे लगा होता है, इसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। इसके अंदर माइक्रो प्राइवेट लेबल भी है और पीएल भी है, मतलब प्राइवेट लेबल, उसमें हम डिटेल में फिर बताएंगे कि इसके अंदर डिप्रिशिएशन मतलब कैसा डिफरेंसेस हैं दोनों में, किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे उसको स्टार्ट करने के लिए, माइक्रो पीएल के लिए और पीएल के लिए, फिर माइक्रो पीएल और पीएल के लिए प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए क्या तरीका होगा, वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। होलसेल
वो बिजनेस मॉडल है, इसको हम मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। होल सेल्स इज अ टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल ऑन अमेजोन और इन अमेजोन इन विच हम क्या करेंगे, हम रीसेल करते हैं ब्रांड की प्रोडक्ट, ब्रांड रीसेल ब्रांड एंड जेनेरिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर हम रीसेल करते हैं, दोबारा बेचते हैं ब्रांड की प्रोडक्ट और जेनेरिक प्रोडक्ट। ब्रांड के प्रोडक्ट को सबको समझ आता है कि जो ब्रांड से एसोसिएटेड हो, ब्रांड के प्रोडक्ट हो, बड़े बड़े ब्रांड भी हैं, छोटे छोटे ब्रांड भी है। और जेनेरिक को हम वाइट लेबल प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिसका कोई नाम नहीं है, इसको कहते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट। हम इसको खरीदते हैं बल्क में, जैसा कि होलसेल नाम है ना, बल्क में खरीदते हैं और रिटेल में बेचते हैं। सो रीसेलिंग ऑफ ब्रांड प्रोडक्ट एंड जेनेरिक प्रोडक्ट। अब इन तीनों बिजनेस मॉडल में हम कौन से मॉडल पे काम शुरू करें, ये सवाल हमारे जहन में अभी आएगा। ठीक है, अभी एक मेंटोर के हैसियत से और जो हमारा तजर्बा है उसके बुनियाद में मैं सबको बोलता हूँ कि आप पहले होलसेल से स्टार्ट करें। अभी मैं ये क्यों कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक आप मार्केट में रीसेलिंग का काम नहीं करते हैं, ब्रांड के ऊपर रिसर्च नहीं करोगे, जेनेरिक प्रोडक्ट में रिसर्च नहीं करोगे, तो प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट ढूंढना मुश्किल है। तो यहाँ इस टिप से आप लोगों ने निकलना है, लाजिम होलसेल के इस प्रोसेस से आप निकलोगे, आप मार्केट को स्टडी करोगे, आप प्रोडक्ट हंटिंग करोगे, मुख्तलिफ रिसर्च करोगे, आपको मार्केट समझ में आ जाएगा कौन सा प्रोडक्ट चलता है, कौन सा नहीं चलता है, कौन सा प्रोडक्ट एवरग्रीन है, सीजनल है, ट्रेंडिंग है, इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और उस वक्त आप मार्केट को भी समझ जाओगे और आप बिजनेस को भी समझ जाओगे और आपने डिसाइड करना है कि अभी मुझे अपनी ब्रांड लॉन्च करना है, अपनी ब्रांड में प्रोडक्ट बनाना है। सो इसलिए हम होलसेल से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने तो ये डिसाइड कर दिया कि हम होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं अमेजोन के ऊपर। यहाँ तक तो आप लोगों का दिमाग क्लियर होगा कि हम होलसेल के अंदर काम करेंगे। अभी जब आप होलसेल में आते हैं ना, तो स्टेप वन क्या होता है, स्टेप वन ये है कि हम एक प्रोडक्ट ढूंढेंगे रिसेल करने के लिए। ऐसा है, जब मैं रिसेल करूंगा ब्रांड की प्रोडक्ट और जेनेरिक की प्रोडक्ट, तो पहले मैं एक प्रोडक्ट को ढूंढूंगा और उसको हम एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, एक लफ्ज़ जो बहुत मशहूर है जो अमेज़न पे काम करते हैं, हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, कि हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग के हम शुरू करेंगे कि हम पहले प्रोडक्ट तो ढूंढे, हंटिंग मीन शिकार करना। ठीक है, अभी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम प्रोडक्ट का क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट का कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए जो अच्छा प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट का हंटिंग शीट किस तरह बनता है, बीएसआर क्या होता है, रिव्यू क्या होते हैं, उसके रिलेशनशिप क्या है, किस तरह हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर होगा और इसके अंदर हमारा दो या तीन क्लासेस प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर होंगे जो डिटेल में होंगे। आज मैं आप लोगों को रोडमैप बताता हूं, जैसा कि मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं। होलसेल हमने चुनाव किया इस बिजनेस को, इसमें पहला स्टेप हो गया कि हमने प्रोडक्ट को ढूंढना है। ओके, अभी आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, 15-20 दिन लगाए, मेहनत किया, हंटिंग किया, एनालिसिस किया, सीनियर लोगों से सवालात किए, टिकटॉक पे लाइव पे लोगों से डिस्कशन किया, नज़दीक लोगों से बात की, प्रोडक्ट की एनालिसिस हो गई, प्रोडक्ट मिल गया और आपको ये पता चला कि ये प्रोडक्ट चलता है। इस स्टेज पे आपको ये पता नहीं चलता है कि प्रोडक्ट में आपको मार्जिन है कि नहीं। रिमेंबर दिस, ये याद रखें, प्रोडक्ट हंटिंग के स्टेज पे आपको सिर्फ इतना अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलता है, बस। अभी आपके साथ ये अंदाज़ा नहीं है कि इसमें मुझे मार्जिन है कि नहीं। अभी प्रोडक्ट आपने हंट किया, पता लगाया ये चलता है, तो हम आते हैं स्टेप टू की तरफ। स्टेप टू ये है कि ये प्रोडक्ट अभी मैं कहाँ से खरीदूँ,
कि मैं बेचूं, एक जगह से तो मिलना चाहिए। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ हंटिंग किया कि प्रोडक्ट इस तरह है, अभी हमने इसको प्रोडक्ट को ढूंढना है, किसी जगह से खरीदना है। इस खरीदने को जहां से मिल रहा है इसको हम अमेज़न की टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। ठीक है, प्रोडक्ट को हम सोर्स करते हैं करेंगे और प्रोडक्ट सोर्सिंग को हम या तो लोकली करेंगे या इंटरनेशनली करेंगे, या अपनी लोकल मार्केट से परचेस करेंगे, या चाइना से, या किसी भी मुल्क से जो आपका प्रोडक्ट हो वहां से आप ले खरीदेंगे। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेन जो चीज़ें हैं, एक तो प्रोडक्ट सोर्सिंग शीट बनाएंगे जिसमें प्रोडक्ट का परचेजिंग कॉस्ट होगा, अमेज़न का फीस कितना होगा, शिपिंग कॉस्ट कितना होगा, फिर सप्लायर से बात कैसे करते हैं, प्राइस को कैसे कम करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करना है ताकि हम लगें। अभी आपका एक प्रोडक्ट भी लिस्ट नहीं हुआ, आपने काम नहीं शुरू किया, लेकिन जब आप चाइना के सप्लायर से बात करें तो आपको आप दिखना चाहिए कि यू आर अ वेरी प्रोफेशनल बिजनेस मैन। आपने वहाँ जाके नहीं बोलना है कि बस मेरे साथ तो 1000 दरम है और बस प्लीज़ वो मेरा हेल्प करो, इस तरह नहीं। आपकी एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर आपने बात करना है और उसको वो टेक्टिक्स में आपको समझाऊंगा इसके अंदर कि किस तरीके से आपने प्राइस को कम करना है, उसको दिखाना है कि मैं कोई पुराना नया आदमी नहीं हूँ, मैं तो गुरु हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरा बहुत शिपमेंट आता है, ये वो, ये सारा हम डिटेल में बताएंगे। और इस स्टेज में, प्रोडक्ट सोर्सिंग के स्टेज में, यू विल बी इन द पोजीशन, आप इस पोजीशन में होंगे कि आप डिसाइड करोगे कि अभी मैं प्रोडक्ट खरीदूं या ना खरीदूं, क्योंकि इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट में मुझे मार्जिन बचता है या नहीं बचता है, मुझे कुछ फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। क्लियर, स्टेप वन प्रोडक्ट हंटिंग हुआ, स्टेप टू प्रोडक्ट सोर्सिंग हमने की। ठीक है, प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर भी 2 से 3 क्लासेस होंगे। अब हम आते हैं, प्रोडक्ट हमने सोर्स किया और हमको मिल गया, हमारे हाथ में है या हमारे घर में है। ठीक है, अब हमने इसको बेचना है और जब बेचेंगे तो कस्टमर को तो दिखाएंगे, हमारा तो फिजिकल काम नहीं है, हमारा तो काम ऑनलाइन है, हमारा तो घर नहीं है कि बिल्डिंग या शॉप नहीं है कि उधर लाइटें लगाएं और गाने बजाने सजाएं, वालेकुम सलाम रहमान। ठीक है, और लोग आए और देखे, हमने तो ऑनलाइन करना है, लोगों को दिखाना है अपना प्रोडक्ट। इस दिखाने को, अपने प्रोडक्ट को दिखाने को कस्टमर को कहते हैं स्टेप 3। और स्टेप 3 क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग। टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर इज कॉल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग। अगर हम बोले प्रेजेंट योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर इन अ गुड वे इज कॉल्ड ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग, इस तरह आप बोल सकते हो मुख्तलिफ नाम। अच्छी तरीके से हम उनको लिस्ट करेंगे, हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, उनकी बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, खसूसियात लेंगे, ये प्रोडक्ट है, इस तरह दिखता है, खूबसूरत है, गिफ्ट के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, तस्वीरें इसकी ऐसी हैं, डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ताकि जब भी कोई कस्टमर आए और मेरे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें तो उनको विद इन सेकेंड समझ आना चाहिए कि दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट ही और शी इज़ लुकिंग फॉर। जिस प्रोडक्ट के लिए वो दिख रहे हैं उनको ऑन द स्पॉट समझ, आपकी लिस्टिंग अच्छी नहीं है, उधर बेच रहे हो एक चीज़ और टाइटल में कुछ और लिखा है, तस्वीरें उधर उधर कचरा सा, खूबसूरत मेहनत नहीं की है, जो ऑप्टिमाइज या हम उसको बोलते हैं ना, जो एल्गोरिथम सिस्टम क्या डिमांड करते हैं अमेज़न का, आपसे क्या डिमांड करते हैं, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कैसी होती है, इमेजेस कितना होना चाहिए, बुलेट पॉइंट जो बुलेट पॉइंट से वो कितनी मिनिमम होनी चाहिए, आपके टाइटल कितने करेक्टर का होना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए जो ऑप्टिमाइज हो, जब भी कोई सर्च करे तो सामने जल्दी आए, पास पेज में सेकंड पेज में आए और फिर जब वो दिखें तो वो खूबसूरत होने चाहिए। ठीक है, अभी मतलब मैं आपको क्लास ले रहा हूँ तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि जिस मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ कि मैं इधर बैठा हूँ, आपसे दूर दूर बैठा हूँ, लेकिन आपको आसानी से समझ आए, तो मुझे लगता है आप लोगों को मज़ा आएगा, आपको अब समझ भी आ रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ, इवन मैं आप लोगों से बहुत दूर हूँ। तो इस तरह आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और इस प्रेजेंटेशन को कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग।
थैंक यू नुमान। ठीक है, अब स्टेप थ्री कंप्लीट हुआ, आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया अमेजॉन के ऊपर। इस स्टेज के ऊपर कोई कस्टमर आके आपसे ऑर्डर करेगा कि मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए। जब वो ऑर्डर करेगा तो कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए दो तरीके हैं और ये स्टेप फोर में हम डिस्कस करेंगे। क्या तरीके हैं स्टेप फोर के? या तो आप एबीए करेंगे या एबीएम करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों के इधर शक जो डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि एबीए बीएम क्या है, मुझे अकाउंट चाहिए कि एबीए वाला अकाउंट चाहिए, कोई कहता है मुझे एबीएम वाला अकाउंट चाहिए। तो ऐसा कोई सीन नहीं, अकाउंट एक ही होता है। फुलफिलमेंट मेथड दो है, या तो आप एबीए करो या एबीएम करो। एबीए में हम डिस्कस करेंगे बीए क्या होता है, कि आप पूरा प्रोडक्ट आपके साथ 100 यूनिट हैं उसको एक बॉक्स के अंदर डालो, उनका शिपमेंट प्लान तैयार करो और अमेजॉन के वेयर हाउस में भेजो। अमेजॉन वहां आपको एक अलमारी एक जगह स्टोरेज जगह दे देगा कि प्लाना एक्स वाई जेड एस का जगह है और वहां का प्रोडक्ट उधर रख देगा। जब भी ऑर्डर आएगा तो वहां से उठाएगा, पैक करेगा और कस्टमर को भेजेगा। रिटर्न आएगा तो वापस रिटर्न करेगा अमेजॉन खुद ही और आपके अलमारी के अंदर उसको रखेगा। इसको बोलते हैं एफ बी ए। ठीक है, एबीएम में क्या होता है कि प्रोडक्ट आपके आपके घर में होता है या आपके वेयर हाउस में होता है। ठीक है, जब भी ऑर्डर आए आप खुद ही उसको पैकिंग करें, बैग में डालें। फिर अमेजॉन ने क्या किया है कि पूरे यूएई के अंदर या पूरी दुनिया में जिधर भी अमेजॉन है उन्होंने हर जगह के लिए एक ड्राइवर असाइन किया हुआ है कि प्लानी जगह में ये ड्राइवर जाएगा, शारजा में ये ड्राइवर होगा, इस लोकेशन में जाएगा, वो आपके साथ कांटेक्ट करेगा कि हाँ भाई आपका ऑर्डर आया है एबीएम में, आप किधर हैं। एक पहली दफा आपका मुश्किल होता है जब आपका नाम मतलब आपका उसका व्हाट्सअप नंबर आ जाएगा, कॉन्टेक्ट हो जाएगा, आपकी जगह मालूम हो जाएगी, वो स्पेसिफिक एक जगह में खड़े होते हैं। ठीक है, फिर रोजाना जब आपका ऑर्डर आता है तो आपने ऑर्डर पैक करके उसके पास लेके जाने। जिनके भी सवाल हैं तो लास्ट में पूछें, अभी मुझे डिस्टर्ब ना करें ताकि मैं कंप्लीट करूं उसको। ठीक है, ओके, मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, मुश्किल नहीं। इसको बोलते हैं एबीएम। अब यहां से अमेजॉन का काम तमाम, आपका जो बिजनेस है ना ये डन हो जाता है, कंप्लीट आपका सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। अभी स्टेप फोर क्या है, स्टेप फाइव सॉरी, अगर आपका ऑर्डर नहीं आता है, ठीक है, ऑर्डर कम है, तो फिर आपको जरूरत पड़ती है स्टेप फाइव की और उसको हम बोलते हैं पीपीसी डील्स, कूपन, इस तरह की चीजों को आपकी जरूरत पड़ती है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि हम पीपीसी कैसे चलाएं, ऑटोमेटिक पीपीसी क्या होती है, मैनुअल पीपीसी क्या होती है, बिट क्या होता है, डाउन बिट डायनेमिक, डाउन बिट क्या होता है, डाउन डायनेमिक, डाउन अप क्या होता है, डायनेमिक फिक्स बिट क्या होता है, किस तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे, इसको पीपीसी के तहत डील कब बनती है, कूपन किस तरह बनती है, ये चीजें आपको जरूरत होती है जब अपने सेल को बूस्ट करने के लिए। फिर दरमियान दरमियान में हम डिस्कस करेंगे रिव्यू का, रिव्यू कैसे लेते हैं, इसके ऊपर भी हम बात फिर साथ साथ करेंगे। कुछ चीजें बहुत ज्यादा एक पहले से नहीं बोलना चाहिए, आप अकलमंद समझ सकते हो। ठीक है, अभी एक और स्टेप है, एक और टॉपिक है जो आपको आखिर में जरूरत पड़ेगी स्टेप सिक्स की। ये तो बिजनेस है, आपको मसले आएंगे, ठीक है, आपका प्रॉब्लम अकाउंट में प्रॉब्लम आएगा, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में कुछ आएगा, तो आपको ये हमसे कहेंगे आखिर में कि हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और ये सबसे जरूरी है, अगर मैं समझूं, अगर आप लोग ये समझ गए तो आपको किसी इब्रार की या किसी सर की या किसी मेंटर की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अमेजॉन की अपनी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ उसमें है और अमेजॉन ने बहुत सारे लोगों को हायर किया है हजारों के तादाद में हमारे लिए। आप उनसे बात कर सकते हो, कैसे बात करोगे, अपना मैसेज कैसे डिलीवर करोगे, अपने मसले कैसे हल करोगे। अगर आपका अकाउंट अच्छा चलता है तो आपको मैनेजर हायर करेंगे आपके अकाउंट के लिए। ठीक है, तो ये हम पूरा हमारा जो कोर्स होगा
और जब हम इस स्टेप तक आ जाएंगे तो मेरी तरफ से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, इसमें हमारे लग जाएंगे।